जयंती लाल एक व्यापारी था जिसके शहर में कई दुकानें थी। हर दुकान का उसे किराया आया करता था। अरे भवानी, मैं सोच रहा हूँ अपनी नुक्कड़ वाली दुकान में कुछ खाने का व्यापार डालूं। वैसे सोच तो बढ़िया है। किसको ढूंढना होगा जो अच्छा नाश्ते वाला आइटम बनाता हो? मैं एक औरत को जानती हूँ, वो विधवा है, लेकिन उसके जैसी दही कचौरी कोई नहीं बना सकता। एकदम स्वादिष्ट, खाते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। क्या वो हमारे दुकान में दही कचौरी बनाएगी? वो मेरे गांव की है, उसका एक बेटा भी है, उसे यहाँ रहने के लिए जगह देनी होगी, तब तो वो जरूर हमारे साथ काम करेगी। ठीक है, तुम उसको बोल दो, हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे, फिर देखते हैं। ठीक है। अगले ही दिन भवानी अपने गांव गई सीता से मिलने। अरे आप आइए आइए, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए। तेरे लायक एक काम था। हाँ हाँ बोलिए ना। तेरी दही कचौरी पूरे गांव में मशहूर है, मैं चाहती हूँ कि तू शहर में मेरी दुकान में दही कचौरी बनाकर बेचे, जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बांट लेंगे। अच्छा है दीदी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं शहर में रहूंगी कहाँ? मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है, तू अपने बेटे के साथ बस शहर चल। अब ठीक है। सीता ने अपनी जरूरत का सारा सामान बांध लिया और भवानी के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। यहाँ भवानी ने सीता को एक कमरा दे दिया। सीता और उसका बेटा उस कमरे में रहने लगे। दुकान में कचौरी बनाने और बेचने का सारा इंतजाम हो गया। सीता और उसका बेटा मिलकर कचौरी बनाया करते और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। एक ग्राहक ने दही कचौरी खरीदी और उसे चखी। आपकी दुकान की दही कचौरी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ मुझे पता है। सीता के दही कचौरी का स्वाद कई ग्राहकों को पसंद आ गया। एक हफ्ते बाद भवानी ने मुनाफे का हिसाब किताब किया और सीता को मुनाफे में से आधे पैसे दे दिए। धन्यवाद दीदी, ठीक है। और आधा मुनाफा लेकर भवानी अपने घर आई। ये लीजिए इस हफ्ते का मुनाफा। वाह, इतने सारे पैसे। ग्राहकों को सीता की बनाई हुई दही कचौरी बहुत पसंद आई है। अच्छा है। सीता और उसका बेटा शाम दोनों मिलकर दही कचौरी बनाकर बेचा करते थे और भवानी काउंटर पर बैठकर पैसे लिया करती थी। हर हफ्ते भवानी आधा मुनाफा सीता को दिया करती थी। कुछ महीनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जयंती लाल के मन में एक विचार आया। दिन ब दिन हमारा मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है। वो तो है, पर ये मुनाफा आधा ही हमें मिलता है। हाँ, पर इसमें कर भी क्या सकते हैं? सीता के हाथ में स्वाद है, इसीलिए तो हमारी दही कचौरी इतनी बिक रही है। तो क्यों ना हम सीता को मुनाफे के बजाय रोज के पैसे दें? इससे हमारा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। वो भी है, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। भवानी सीता से बात करने आई। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ? सीता, आजकल महंगाई बढ़ गई है, तू तो जानती है, ऊपर से वो दुकान भी मेरी है, तो आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा। ऐसा करते हैं, मैं तुझे रोज के पैसे दे दिया करूँगी, रोज के 300 रुपए। दीदी, लेकिन हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, अब आप मुकर क्यों रही हैं? लगता है तेरे मन में लालच आ गया है। लालच मुझ में नहीं, आप में आया है दीदी। अब जब आपकी दही कचौरी ज्यादा बिकने लगी है, तो ज्यादा पैसों की लालच में आप मुझे कम पैसे देने के बारे में सोचती हैं। अब तो मुझे उल्टा जवाब देगी। मेरी ही गलती थी जो मैं तुझे गरीब समझकर यहाँ ले आई, रहने को घर दिया, काम दिया। अब इसमें गलत क्या है दीदी, मैं तो बस अपना हक मांग रही हूँ। दिन भर मैं और मेरा बेटा दुकान में काम करते हैं, आधा मुनाफा तो हमारा हक बनता है ना। अभी के अभी निकल यहाँ से, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। सीता और श्याम उसी वक्त वहाँ से चले गए।
चलते चलते वो दोनों एक पार्क में पहुँचे। सीता पार्क के बेंच पर बैठ गई। अब हम दोनों को गांव लौटना होगा। माँ, क्यों ना हम अपना दही कचौरी का ठेला लगा दे, थोड़े पैसे तो हमारे पास है ही। वो तो है, लेकिन हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे? देखते हैं माँ। सीता और शाम को एक झोपड़ी किराए पर मिल गई, और फिर बचे हुए पैसों से उन लोगों ने एक हाथ गाड़ी खरीदी और इस हाथ गाड़ी पर दही कचौरी बनाकर बेचना शुरू किया। एक दही कचौरी देना बहन। अभी देती हूँ। सीता के ठेले पर ग्राहक आने लगे और उसके दही कचौरी के स्वाद की तारीफ भी करने लगे। दीदी, आपकी दही कचौरी बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद, मैं तो रोज आऊंगी खाने। जी बिल्कुल आइए। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हुई थी। ये पैसे तो भवानी दीदी के आधे मुनाफे से भी ज्यादा हैं। और ये पूरा हमारा है माँ। हाँ, ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। सीता और शाम रोज अपनी हाथ गाड़ी पर दही कचौरी बेचते रहे। दिन ब दिन उनके ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। सीता और शाम जी जान से मेहनत कर रहे थे और इसी कारण उनका मुनाफा भी बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ भवानी ने अपनी दुकान में एक दूसरी औरत को काम पर रख लिया था। अरे दीदी, बुरा मत मानना, ये स्वाद पहले की तरह अच्छा नहीं है। खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। एक तो भवानी की कचौरियों का स्वाद अच्छा नहीं था, ऊपर से वो लोगों से ढंग से बात तक नहीं करती थी, और इसी वजह से उनका व्यापार डूबने लगा था। एक ही महीने में ग्राहक घट गए। अब भवानी का मुनाफा तो छोड़ो, जो लागत थी वही नहीं निकल रही थी। इस हफ्ते भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें कचौरी का व्यापार बंद कर देना चाहिए। मैं उस दुकान को किराए पर चलाकर कुछ तो मुनाफा कमा लूंगा। शायद यही सही रहेगा। भवानी ने दही कचौरी की दुकान बंद कर दी और यहाँ सीता और शाम ने इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने एक दुकान किराए पे ले ली। सीता और शाम की मेहनत रंग ला रही थी और वही लालची जयंती लाल और भवानी का लालच उन पर ही भारी पड़ा। उनकी दही कचौरी की दुकान बंद हो गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी सबसे सही नीति है। अगर भवानी और जयंती लाल ईमानदारी से सीता को आधा मुनाफा देते तो आज उनका मुनाफा भी कई गुना बढ़ चुका होता, पर लालच ने उनकी नैया डुबा दी। अब्दुल एक खान सामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई, मुझे एक तंदूर पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथों की तंदूर का जवाब ही नहीं अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल्स की तंदूरी खाई है, पर आपके हाथों में जो बात है वो तो कहीं और है ही नहीं। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था, सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफसर ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई, आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब, काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में पक रही कुराफाती ख्यालों से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई और खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको दूसरे खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा। वो क्या है कि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं, इसलिए। जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। दो और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो, अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छे से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ।
अब्दुल ने अच्छे मन से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया। पर अफजल बहुत ही शातिर था, उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून था। इसीलिए उसने एक नए पोल्ट्री वाले से सौदा कर लिया। ये पोल्ट्री वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बा। मैंने सुना है तूने पोल्ट्री वाला बदल दिया है। हाँ अब्बा, ये नया पोल्ट्री वाला हमें कम दामों पे मुर्गी दे रहा है। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियाँ पहले से मरी हुई हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह ना करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा, हर होटल वाले यही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है, अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक हो, अच्छा हो या बुरा हो वो तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए चला गया। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो, ये सरासर गलत है। पर अफजल मियां मेरी बात सुनेंगे नहीं, बेहतरी इसी में है कि मैं ये काम ही छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि वो सुल्तान होटल में खानसामे का काम छोड़ देगा। अगली सुबह वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था, मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा, इतना पक्का है अब्दुल मियां? मुझे मंजूर है, मैं बिना काम करके रह लूंगा, पर बेईमानी में भागीदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये बोलकर वहां से चला गया। उसने कई होटलों में नौकरी की तलाश की, पर उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक दिन वो दोस्त मुस्तफा की साइकिल शॉप पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूँगा, मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन बोल रहा है कुछ और काम करो? मैं तो ये बोल रहा था कि तुम अपना तंदूरी का काउंटर खुद ही खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तंदूर बहुत महंगा होता है, ऊपर से होटल भी चाहिए ना, फिर उसका भाड़ा, इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मसलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने दो पुरानी साइकिल रिम्स ली और उनमें छेद करके सलाइयां डाली। ले, तैयार है। ये क्या, समझाता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी की लकड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब उसके नीचे तू जलते हुए कोयले रख और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, तुझे ये कैसे सूझा? बस शायद तेरी मदद करनी थी इसलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले दिन से मुस्तफा ने हाथ गाड़ी पे तंदूरी बेचना शुरू कर दिया। मुस्तफा तंदूरी बनाने में उस्ताद था, क्योंकि उसका होटल नहीं था इसीलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। मुस्तफा के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा हुआ और मरी हुई मुर्गी बेचने की वजह से होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का नियम है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा होता है। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। नागपुर गांव में एक पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो गांव में एक विद्यालय के बाहर कचौरी बर्गर बेचा करती थी। गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो, जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आओ आओ, गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे उसके ठेले के पास आकर गरम गरम कचौरी बर्गर खा रहे थे। पिंकी,
जरा मुझे एक प्लेट कचौरी बर्गर दे दो। ऐसे ही सारे विद्यार्थी कचौरी बर्गर चाव से खाते थे। इतना ही नहीं, उस गांव के लोग भी वो कचौरी बर्गर खाने आया करते थे। पिंकी बेटा, ले जाने के लिए कचौरी बर्गर पैक कर दो। पिंकी बेटा, मुझे दो प्लेट कचौरी बर्गर देना। तुम्हारे हाथों की तो कचौरी बर्गर देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। धन्यवाद बापू। विद्यालय के बाहर रेखा और उसकी बहन शिखा भी कचौरी बेचा करती थी। उनकी बिक्री उतनी नहीं होती थी। ये सब देखकर रेखा और शिखा बहुत जला करती थी। जरा इसके ठेले पर तो देखो कैसी भीड़ लगी है। सारे के सारे लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ दीदी, सुबह से आज हमारी दुकान में कोई कचौरी खरीदने नहीं आया। अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिंकी कचौरी बर्गर बेचकर घर वापस आती थी और अपनी बीमार माँ की देखभाल किया करती थी। पता है माँ, आज मेरे हाथ की कचौरी बर्गर खाकर सबने बहुत तारीफ की और मेरे सारे कचौरी बर्गर बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे ऐसे ही तुम्हारी बिक्री होती रहे। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और पिंकी उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाती है, जिसके कारण वो कचौरी बर्गर की दुकान नहीं लगा पाती। उधर रेखा इस बात का फायदा उठाकर लोगों को अपनी तरफ बुलाती है। आओ आओ, मेरे कचौरी बर्गर एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। रेखा दीदी, कचौरी बर्गर दे दो मुझे एक प्लेट। अभी देती हूँ, जरा ठहर। उसके हाथ के कचौरी बर्गर खाकर बच्चे बोलते हैं, ये कैसी कचौरी बर्गर बनाई है? ऐसी कचौरी बर्गर खाकर तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तुम पिंकी दीदी के जैसी कचौरी बर्गर नहीं बना सकती। रेखा के हाथ की कचौरी बर्गर किसी को पसंद नहीं आई थी। उधर पिंकी की माँ ठीक होकर घर आ जाती है और पिंकी दूसरे ही दिन कचौरी बर्गर बेचने वहाँ दोबारा जाती है। गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो। बच्चे पिंकी को देख कर दौड़े चले आते हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ के कचौरी बर्गर खाए बिना हम सबको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो चलो, अब जल्दी से कचौरी बर्गर दे दो। देखते ही देखते वहाँ के सारे गांव वाले और बच्चे कचौरी बर्गर खाने आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा कहती है, जरा देखो तो सही, मेरे हाथ के कचौरी बर्गर किसी ने नहीं खाए और ये पिंकी के आते ही उसके ठेले पर इतनी भीड़ लग गई। इससे तो मजा चखाना ही होगा। रेखा पिंकी को सबक सिखाने की योजना बना लेती है और वो मौका देखते ही पिंकी की कचौरी बर्गर में दवा मिला देती है, जिससे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या, पिंकी की कचौरी बर्गर खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो इसको यहाँ से भागना ही होगा। हाँ, भगाना ही होगा। इसकी कचौरी बर्गर खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो। पिंकी को गांव के लोग वहां से भगा देते हैं और पिंकी रोते रोते अपने ठेले को लेकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर रेखा बहुत खुश होती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी कचौरी बर्गर बेचने वाली। पिंकी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? मेरा कचौरी बर्गर तो आज बिका ही नहीं। ऐसा इस कचौरी बर्गर में मैंने क्या डाल दिया? एक बूढ़ा पिंकी के ठेले को देखकर पिंकी के पास आकर कहता है, बेटा मुझे कचौड़ी बर्गर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं अंकल, मैं ये कचौड़ी बर्गर आपको नहीं दे सकती। इस कचौड़ी बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या करूं बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने ये ठेला देखा तो तुम्हारे पास आ गया। नहीं अंकल, ये कचौरी बर्गर आप मत खाइए। मेरे पास 50 रुपए है, ये लीजिए और कहीं और जाकर कुछ और खा लीजिए। उस बूढ़े को पिंकी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और वो बूढ़ा उस कचौरी बर्गर की तरफ देखकर अपना हाथ उठाता है, जिसमें से कोई रोशनी निकलती है और वो जादू करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पिंकी को पता ही नहीं चलती और वो घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ आज मैं कचौरी बर्गर नहीं बेच पाई। मेरे कचौरी बर्गर में कुछ मिलावट हो गई है, जिसके कारण लोगों के पेट खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या, कचौरी बर्गर में मिलावट? जरा मुझे खिला तो, मैं भी तो देखूं इस कचौरी बर्गर में क्या मिलावट है। पिंकी वो कचौरी बर्गर अपनी माँ को ला कर देती है। जैसे ही वो कचौरी बर्गर उसकी माँ खाती है, उसकी सेहत में सुधार होने लगती है। देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ,
ना मुझे पेट में दर्द हुआ और ना ही मेरी तबीयत खराब हुई। क्या माँ, तुम सच कह रही हो? ये सब देखकर पिंकी दूसरे ही दिन अपनी कचौरी बर्गर बेचने वापस वहीं जाती है। पिंकी, जरा कचौरी बर्गर दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। वो आदमी जैसे ही कचौरी बर्गर खाता है, उसके पेट दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है और वो आदमी पिंकी से कहता है, अरे ये क्या पिंकी बेटा, तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये बात गांव में फैल जाती है कि पिंकी के पास जादुई कचौड़ी है, जिसे खाकर सभी की बीमारी दूर हो जाती है। और ये सुनकर सारे लोग पिंकी के पास आकर कचौड़ी मांगते हैं। पिंकी पिंकी, मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो, तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर रेखा सोचती है, मैं भी जरा ये कचौरी बर्गर खाकर देखूं तो मेरी भी कुछ बीमारी ठीक हो जाए। जरा मुझे भी कचौरी बर्गर खिला दो। रेखा कचौरी बर्गर जैसे ही खाती है, उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। वो समझ जाती है कि उसने गलत किया, इसलिए उसके साथ उल्टा हो गया। सारे लोग कचौरी बर्गर खाकर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये बात पिंकी को समझ नहीं आती। बूढ़ा फिर से पिंकी के पास आता है। पिंकी बेटा, मुझे 50 के कचौड़ी बर्गर दे दो। अरे अंकल, आप तो वही हो ना जो उस दिन मेरा कचौड़ी बर्गर खाना चाहते थे। वो कचौड़ी बर्गर खराब होने की वजह से मैंने आपको मना कर दिया था। हाँ पिंकी, मैं वही हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ा एक परी के वेश में आ जाता है। ये क्या, आप परी बन गई? आप कौन है? हाँ पिंकी, मैं बूढ़ा नहीं, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे कचौरी बर्गर को एक जादुई कचौरी बर्गर में बदल दिया था, जिससे जो भी ईमानदार व्यक्ति वो कचौरी बर्गर खाएगा, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात जानकर पिंकी बहुत ही खुश होती है और धन्यवाद कहती है। वो जादुई कचौरी बर्गर से अपनी माँ और सारे लोगों की बीमारी ठीक कर देती है।